उत्तर प्रदेश के बांदा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर देर रात खेत की रखवाली करने वाले पिता पुत्र के ऊपर गांव के ही रहने वाले एक युवक के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें खेत की रखवाली कर रहे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और हमलावर ने पिता को भी घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। जैसे ही ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी मिली तो तत्काल घटना की जानकारी संबंधित थाने को सूचित की, जिस पर स्थायी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए वारदात की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज रात लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में थाना बबेरू अंतर्गत ग्राम निभौर में हार में 3 व्यक्ति सोए हुए थे, जिसमें एक पिता पुत्र थे और तीसरा व्यक्ति उनका काम देखने वाला था। रात में उसने राजू नाम के व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी। जब उसने चाकू मारी, इस बात पे पिता भी जग गया, पिता ने विरोध किया तो पिता को भी उसने चाकू मार दी, लेकिन पिता घायल है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें प्रेम प्रसंग का मामला पाया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे ही अभियुक्त मिलता है स्थिति स्पष्ट होगी। का देवलाल जी, साहब देवलाल जी, ये का घटना हुई है, कैसे का घटना हुई है जो आपके घर में हुई? हम साहब रात में खेत में रवाज वाज तकते थे तो वहीं पड़े थे, पानी भी लगाना था, तो वो एक लंबा भटौली का है, भटौली में जमीन उमीन बिकंड आई है कि चाचा वाचा रहा थे तो वो भी हमारे साथ सो रहा था, उसी ने घटना कर दिया हमारे। अच्छा, क्या घटना हुई है? वो लड़के को पहले मार दिया तो मैं नहीं जान नहीं पाया, जब मेरे जाल से बांध दिया था दोनों को, तो जब मेरे ऊपर वो आ किया तब मैं जान नहीं पाया सर। अच्छा, तो मौत भी हो गई का किसी? हाँ, मौके में मौत हो गई। क्या नाम है जो मौत है? राजू नाम है। राजू नाम है। अच्छा, वो आपका कौन है? लड़का है। अच्छा, तो आप अस्पताल आए हुए हैं? हाँ। लगभग कितने टाइम की घटना है ये? 1 बजे की घटना है। 1 बजे के आसपास की। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है? पहुंचा है। ठीक।